हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैशाली जैन पर। दिस इज़ वैशाली जैन और आज हम इस वीडियो में यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, आरबीआई का एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट का, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, पूरा पेपर का यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। आपको गुड अटेम्प्ट्स भी मैं यहाँ पर बताऊँगी। पेपर ईजी था, मॉडरेट था, हार्ड लेवल का था, वो सब हम यहाँ पर इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, हमारे जो इसमें सब्जेक्ट आए थे वो रीजनिंग, क्वांट और क्या आया था आपका, इंग्लिश आया था, तीन सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आए थे। उसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। क्या क्या पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलॉक्स की, तो इससे तीन क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सिलॉक से पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिलॉक से, तीन क्वेश्चंस, और ये कैसे थे, सिंपल थे। इसमें ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, जो ओनली फ्यू से आता है, ये नया पैटर्न चला है। तो ओनली फ्यू से भी आपका यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तीन क्वेश्चन सिलॉक से पूछे गए हैं। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें, तो देखिए तीन क्वेश्चंस आपके किससे पूछे गए हैं, इनइक्वालिटी से तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं थे, इजी लेवल के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। आगे अगर हम बात करें मंथ बेस पजल, देखिए आपका यहाँ पर एक पूछा गया था मंथ बेस पजल, मंथ बेस पजल से भी आपके पाँच क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पर। मंथ बेस्ड पजल से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, पांच क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे गए थे। और इसमें देखिए क्या पूछा गया था, 8 पर्सन थे, 8 पर्सन थे वो डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स जो है वो अटेंड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मीटिंग अटेंड कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स पे। तो वही आपका यहाँ पर देखिए पूछा गया था, वेरिएबल दिया गया था इसमें आपका एक। अगर हम यहाँ पर बात करें अल्फाबेटिकल सीरीज की, देखिए पांच क्वेश्चंस आपके अल्फाबेटिकल सीरीज से यहाँ पर पूछे गए थे। अल्फाबेटिकल सीरीज से पांच क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्या दिया गया था, तीन जो आपके थ्री लेटर्स होते हैं, थ्री लेटर का ग्रुप आपका यहाँ पर पेयर दिया गया था, थ्री लेटर का पेयर, और उससे बेस्ड आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें, तो तीन क्वेश्चंस आपके यहाँ पर ब्लड रिलेशन से पूछे गए थे। तो देखिए छः लोग थे, छः फैमिली मेम्बर्स थे, 6 पर्सन्स थे, और उनका आपको क्या बताना था, फैमिली ट्री यहाँ पर आपको बनाना था। ये पजल से बेस्ड आपका, पजल पर बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। आगे अगर हम चले, तो देखिए यहाँ पर डबल रो से भी पांच क्वेश्चंस पूछे गए थे। डबल रो सिटिंग अरेंजमेंट से आपके, डबल रो सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसमें क्या था, 10 पर्सन्स थे, 10 पर्सन्स थे आपके यहाँ पर, 5 नॉर्थ देख रहे थे और 5 क्या थे, 5 आपके साउथ देख रहे थे, वो आपका यहाँ पर पूछा गया था। आगे चले अगर हम देखें, 3 क्वेश्चंस आपके किससे पूछे गए थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आपके, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे गए थे। ये भी आपका सिंपल आया था, ज़्यादा टफ नहीं था, कुछ इसमें नया देखने के लिए नहीं मिला। 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर देखिए सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए थे, किससे, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर आपके 8 पर्सन्स थे और वो सभी क्या थे, इनसाइड देख रहे थे। सिंपल आया था, ज़्यादा टफ नहीं था ये भी। आगे अगर हम चले, जो 3 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं वो मिसलेनियस से पूछे गए थे। इसमें देखिए मिसलेनियस में आपका क्या पूछा गया था, जो आपके वर्ड पेयर आपको बनाने होते हैं, कि जो इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश के जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश लेटर्स जितने उनके बीच में है वो आपको बताने होते हैं। आपके यहाँ पर नंबर्स दे दिए जाते हैं, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिखना होता है और बताना होता है कितने उनका प्लेस चेंज नहीं हुआ है। तो उससे आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। देखिए टोटल ये आपके 35 क्वेश्चंस थे जो आपके यहाँ पर पूछे गए थे, रीजनिंग के ये 35 क्वेश्चंस थे। और यहाँ पर अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट आप उसको यहाँ पर बोल सकते हैं। वैसे तो इजी ही था, कुछ क्वेश्चंस ही मॉडरेट लेवल के होंगे, बट इजी आपका यहाँ पर पूछा गया था। और इसके अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की यहाँ पर बात करें, तो आपको कितने अटेम्प्ट यहाँ पर करने थे, गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पर देखिए, गुड अटेम्प्ट्स आपके यहाँ पर 28 से 34 आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि पेपर का जो कट ऑफ है वो इसकी हाई जाएगी। तो यहाँ पर पेपर इजी आया है, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो यहाँ पर आपके गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पर 28 से 34 आपके यहाँ पर गुड अटेम्प्ट्स थे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स में देखते हैं क्या क्या आपका पूछा गया था। देखिए यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं मैथ्स की।
मैथ्स में देखिए आपका क्या क्या पूछा गया था, 35 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आए थे मैथ्स में भी। मैथ्स में देखिए 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आपका यहाँ पर पूछा गया है, अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछा गया है, सिंप्लीफिकेशन से आपके 15 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। और अगर हम डीआई की बात करें तो देखिए 5 क्वेश्चंस आपके किससे पूछे गए हैं, डीआई से आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। किस पर बेस्ड था आपका ये जो डीआई था, वो आपका यहाँ पर बेस्ड था लीनियर, जो आपका डीआई होता है उस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चंस थे। लीनियर डीआई आपका यहाँ पर पूछा गया था, लीनियर मतलब लाइन बेस्ड था आपका ये जो डीआई था, लाइन बेस्ड डीआई आपका पूछा गया था। और अगर हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करें यहाँ पर, तो देखिए आपकी 10 वर्ड प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर पूछी गई थी। देखिए 15 ये हो गए, 5 ये हो गए, 25 और 10 ये हो गए, 35 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो गए। वर्ड प्रॉब्लम से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम से पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स पूछे गए हैं, एक एज से आपका क्वेश्चन आया था, एक यहाँ पर आपका ट्रेन जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन से आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आया था। आगे अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस से भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, मिक्सचर एलिगेशन से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। देखिए मिक्सचर एलिगेशन से पूछा गया था, इनकम एक्सपेंडिचर जो आपका टॉपिक होता है उसमें आप परसेंटेज आप इसको बोल सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से भी आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। और हम अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। और जो एक दो टॉपिक और बचे हैं उनसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे गए। तो देखिए मैथ्स का ये पेपर था, अगर 15 सिंप्लीफिकेशन आए हैं इसका मतलब पेपर ईजी आया था, मैथ्स का पेपर आप बोल सकते हैं ईजी आया था। और इसमें अगर हम यहाँ पर गुड अटैम्प्ट की बात करें तो आपको कितने अटैम्प्ट कर आने थे यहाँ पर, तो देखिए गुड अटैम्प्ट आप इसके बोल सकते हैं 26 से 30 आप आराम से यहाँ पर क्या था अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इसका गुड अटेम्प्ट यहाँ पर हमारे 26 से 30 है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश की, इंग्लिश में देखते हैं क्या क्या हमारे क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में आपके 30 मार्क्स के यहाँ पर, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 10 क्वेश्चंस आपके किससे पूछे गए हैं, आरसी से, 8 से 10 क्वेश्चंस आपके किससे पूछे गए हैं, आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे गए हैं। ये क्या था, स्टोरी बेस्ड था, कोई मैरिड गर्ल थी उसकी स्टोरी पर बेस्ड आपका ये जो आरसी है वो पूछा गया था। अगर हम यहाँ पर बात करें क्लोज टेस्ट ही 7 से 8 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर क्लोज टेस्ट से पूछे गए थे। देखिए क्लोज टेस्ट से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। 5 क्वेश्चंस देखिए आपके यहाँ पर स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर मतलब मिस स्पेल्ट से आपके यहाँ पर पूछे गए थे, मिस स्पेल्ट आपको दी गई थी और उससे आपका यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 वर्ड्स भी हैं जिनसे मिस स्पेल्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर हमारे जो मैथ्स में आपके देखिए 5 क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज से भी आए थे, ये हमारे 35 क्वेश्चन नहीं हुए थे, मैथ्स में 5 क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज से भी आपके पूछे गए थे। जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा वीडियो क्या बना दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी, जो भी क्वेश्चंस हमको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस मैथ्स में आपके रॉन्ग सीरीज से भी पूछे गए थे। तो देखिए स्पेलिंग एरर में आपके 2 वर्ड आए थे, कौन कौन से आए थे देखिए यहाँ पर, एक तो सैम्पल का आपका स्पेलिंग गलत दी हुई थी, सैम्पल की स्पेलिंग होती है SAMPLE, और एक वर्ड आपका दिया गया था शेडो, शेडो आपका वर्ड दिया गया था मिस स्पेल्ड करके, आपको उसको बताना था कि क्या करेक्ट उसका स्पेलिंग होगी। 5 क्वेश्चंस देखिए आपके यहाँ पर किससे पूछे गए हैं, फिलर्स से आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये सिंगल फिलर्स थे, क्या थे, सिंगल फिलर्स थे, सिंगल आपका यहाँ पर सिंगल फिलर आपका पूछा गया था। और 5 क्वेश्चंस आपके किससे पूछे गए हैं, यहाँ पर एरर डिटेक्शन से पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर एरर डिटेक्शन से पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो रीअरेंजमेंट था वो नहीं पूछा गया है, जिससे बच्चे डरते हैं, रीअरेंजमेंट आपका यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ये इंग्लिश का आपका पैटर्न रहा है। देखिए शिफ्ट बाय शिफ्ट क्या होता है, पैटर्न चेंज होता रहता है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कुछ और पैटर्न आए, बट जो फर्स्ट शिफ्ट में पैटर्न आया वही आपका मैं यहाँ पर बता रही हूँ क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट की बात करें, देखिए पेपर
क्या था, इजी टू मॉडरेट ही था आपका यहाँ पर, और यहाँ पर गुड अटेम्प्ट्स, आप 23 से 27 आप इजीली यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे, ये आपका क्या था, गुड अटेम्प्ट्स था। और यहाँ पर बच्चों ने इतने क्वेश्चंस, जो यहाँ पर मैंने रिव्यूज देखे बच्चों के, तो देखिए उनका जो ओवरऑल पेपर में उनकी अटेम्प्ट्स है वो 80+ है। क्या है 80+ आपके उनके अटेम्प्ट्स रहे हैं जनरली, और इसकी कट ऑफ भी, अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्या आपकी रह सकती है 75+ इसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पर पेपर इजी टू मॉडरेट था, और यहाँ पर हमने आप डिस्कस किया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, मैं आगे भी शिफ्ट के आपके जो एनालिसिस है वो यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी, जो भी एनालिसिस आपका रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये पैटर्न पहुँच जाए। और अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।